You're live now. Hi everybody, welcome to Conquering My Own Everest live session for Hamara Ghaziabad viewers. Here's another story that I want to tell you from my life, and maybe you can relate to it. So when we are dealing with obesity and we are dealing with overweight or any lifestyle disease, we think that exercises can solve our problem. तो मैंने भी ऐसे किया. तो जब मुझे लगा कि मैं बहुत मोटी होती जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मुझे रोज सुबह वॉक करने जाना चाहिए, दौड़ने जाना चाहिए, साइकिलिंग करनी चाहिए, और ऑन टॉप ऑफ इट मैंने बैडमिंटन खेलना भी स्टार्ट किया. और एक दिन मुझे याद है कि मैं बैडमिंटन खेल रही थी और मेरा जो ओपोनेंट था वो मुझसे कहीं ज्यादा यंगर एंड स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट था, तो मुझे रोज ही हराता था वो. पर वन डे दैट आई वाज प्लेइंग एंड मुझे याद है कि मैं मिडिल ऑफ द गेम में ऐसे दीवार पकड़ के ऐसे खड़ी हो गई और मेरे पास कोई एनर्जी नहीं थी. एंड आई एक्चुअली स्लाइडेड डाउन एंड मेरा थोड़ा ब्लैकआउट होना शुरू हुआ. और मुझे उस दिन ऐसे डेफिनेटली लगा कि जैसे शुभांकर को आज मुझे यहाँ से घर या तो एम्बुलेंस बुला के या तो ई रिक्शा बुला के लेके जाना पड़ेगा. बट फॉर्चुनेटली ही गेव मी अ ग्लास ऑफ वाटर एंड थोड़ा मैंने रेस्ट किया एंड आई रिवाइव एंड ही ड्रॉप मी बैक होम. बट दैट डे आई रियलाइज, इट वॉज अ रियलाइजेशन फॉर मी कि अगर मेरे पास कम एनर्जी है ऑलरेडी, तो मैं एनर्जी को और इन्वेस्ट करने की बजाय एक्सरसाइजेस में, द लॉजिकल स्टेप इज कि मुझे अपने बॉडी की एनर्जी बढ़ाने पे काम करना चाहिए, इससे पहले मैं अपनी बॉडी अपनी एनर्जी को और इन्वेस्ट करूं. डोंट यू थिंक इट मेक सेंस? सो दैट्स लाइक अ सेकेंड स्टेप कि अगर आप कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज से डील करें, दैट मींस आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस है और आपकी बॉडी कम एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है. तो अब उस कम एनर्जी को और एक्सरसाइजेस में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली आप और वीक महसूस करेंगे डे में. सो द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप टू इंक्रीज योर एनर्जी इज टू करेक्ट योर न्यूट्रिशन. तो जब आप अपना न्यूट्रिशन ठीक करेंगे, आपकी बॉडी का इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक होगा, तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी. इंटरेस्ट मी, दिस एग्जैक्टली वॉट आई डिड. तो मैंने अपनी न्यूट्रिशन पे काम करना शुरू किया, बॉडी की एनर्जी बढ़ी और आज मैं ऐसे इंसान हूँ जो मैं लोअर हिमालयन पीक्स भी अकम्प्लिश कर सकती हूँ. पर मैंने उसका प्रोसेस करेक्ट किया, पहले बॉडी की एनर्जी बढ़ाई और उसके बाद उसको इन्वेस्ट करना शुरू किया. सो इफ एनी वन ऑफ यू इज मेकिंग दिस मिस्टेक, आई हैव अ रिक्वेस्ट, स्टॉप एंड टॉक टू either you can talk to me or you can talk to somebody who is good at nutrition so that you can increase your energy. As it is, exercises ka role only 15% hota hai aapki lifestyle diseases theek karne ke liye, 85% role nutrition ka hota hai aur exercises ka role nutrition ke role ke baad aata hai. Okay, so I'm not saying they are not good, but then unka role jab aapki energy thodi badh jaye nutrition se, uske baad exercises ka role bahut sara hota hai. Wo 15% actually bahut sara hota hai, but the steps need to be corrected. I hope this story helps. I'll keep coming back with lots of my real life story to support you think logically about healing lifestyle diseases. My name is Stuti. Thank you, and I'm signing off for today.